हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। चलिए कुछ फन करते हैं एक्सेस के साथ। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें एक टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए कहां चले जाएंगे, सीधा जाएंगे क्रिएट पर और टेबल पे जाएंगे और यहां से हम टेबल बना सकते हैं। तो यहां व्यू पे क्लिक करता हूं, ये टेबल 1 आ रहा है, टेबल 1 ही रहने देता हूं और यहां पे दे देता हूं नेम। सिर्फ मैं क्या दे देता हूं, नेम। इस तरीके से दे दिया मैंने नेम और यहां पर शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे और यहां पे दे देंगे लाइक एड्रेस, ठीक है, और यहां पे दे देंगे सिटी। ये चीजें हमने दे दी हैं, देख सकते हैं आप। और यहां से व्यू पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। एक फॉर्म बना लेते हैं, डायरेक्टली चलते हैं फॉर्म में और ये जैसे तैसे फॉर्म डिजाइन होकर हमारे सामने आ गया है। चलिए अभी हमें सिर्फ इसी की जरूरत है तो इसको हमने बना लिया है और यहां पर देख सकते हैं ये आपको इस तरीके से मिल जाता है। यहां पे फॉर्म हमें रखना है जबकि हम काम कर रहे होंगे, ठीक है। और ये कर लेने के बाद हमें क्या करना है, ये कर लेने के बाद हमें सीधा कहां चलना है, डिजाइन व्यू पे चलना है। तो इसे डिजाइन व्यू पे ले लीजिए, पहले इसको मैं सेव कर देता हूं दोनों चीजों को। ये टेबल 1 सेव हो चुका है। यहां पर इसका नाम हम बदलेंगे, यहां से मैं लिख देता हूं मैक्रो एफ, मैक्रो फॉर्म, ठीक है। हम मैक्रो क्रिएट करेंगे और मैक्रो के थ्रू जो है इसमें वैलिडेशन लगाएंगे, ठीक है। तो मैक्रो के थ्रू अब तक वैलिडेशन लगाना नहीं बताया था, तो चलिए ये देखते हैं इसको कैसे करेंगे। और वो आपको मैसेज डिस्प्ले करेगा, एक बोलेगा कि आप पहले एंटर कीजिए तब आगे बढ़िए, देन यू कैन प्रोसीड, इस तरह का मैसेज एक डिस्प्ले करेगा ये। और यहां पर चल करके इसका कलर वगैरह बदल देते हैं, कलर ये ठीक है। और यहां से इसको सिलेक्शन में लेकर के बोल्ड करके यहां से रेड कर देता हूं इसका कलर, ओके। तो ये हमने कर दिया है। अब क्या करना है, हमें यहां पे कर्सर को रखना है और यहां पे रख करके यहां से इस पे जा करके फिर यहां पे फॉर्म को सेलेक्ट करना है। अब ये फॉर्म को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पे दिखाई पड़ेगा बिफोर अपडेट आफ्टर अपडेट। आपको बिफोर अपडेट पे जाना है, यहां पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो मैक्रो बिल्डर आएगा, मैक्रो बिल्डर पे चले जाइए। यहां पर आपको इस तरह का सिनेरियो आएगा। अब करना क्या है, यहां पर ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है या फिर आप यहां डायरेक्टली टाइप कीजिए एम ई डबल एस। तो देखिए एम ई एस जैसे ही टाइप किया तो मैसेज बॉक्स आ गया, ठीक है, और इस पे क्लिक कर दीजिए। मैसेज क्या देना चाहते हैं हम वो देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए मैसेज हम देना चाहते हैं फर्स्ट एंटर देन प्रोसीड, ये मैसेज जो है हमने दे दिया है यहां पर मैक्रो में। और ये बीप को यस रखा है और यहां टाइप में नन है तो ये टाइप को मैं कर देता हूं लाइक वार्निंग, ठीक है। और यहां पर देख सकते हैं ये यहां पे मैं कर देता हूं, ये वैलिडेशन मैंने लगाया तो ये वैलिडेशन कर देता हूं यहां पे सिंपली, ठीक है। इस तरीके से देखा आपने, हमने ये लगा दिया है। अब इसको सेव कर देता हूं, सेव कर दिया। अब यहां से इसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर दिया। अब हम आ गए हैं फॉर्म में वापस से, ठीक है। अब चलते हैं अपने फॉर्म में और यहाँ पे डिजाइन व्यू से अलग हट जाते हैं, यहाँ पे आ गए, फिल नहीं किया और नीचे आ गए, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्टली एड्रेस टाइप करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे एड्रेस टाइप करता हूं, ये देख सकते हैं इस तरीके से एड्रेस टाइप कर दिया हमने, ये लाइक दिस, ओके। और यहां पर सिटी का नाम टाइप करेंगे तो ये सिटी का नाम है, ये टाइप कर दिया हमने और यहां से इसको अब सेव कर दिया। तो अब देखिए अब ये सेव नहीं हो रहा, ये कह रहा है डू नॉट फॉरगेट आई एम वॉचिंग यू फर्स्ट एंटर देन प्रोसीड। तो पहले आप एंटर कीजिए सारी चीजों को, लाइक यहां पर नेम एंटर करना है तो यहां पर राम एंटर कर देता हूं मैं, ठीक है। और अब देखता हूं अब ये प्रोसीड होने दे रहा। अब देखिए फिर अभी ये कह रहा है कि सारी चीजों को एंटर कीजिए, तो अभी एंटर हो चुका है आप देख सकते हैं। अगर आप पहले रिकॉर्ड पे जाएंगे तो ये देखिए यहां पर पहला रिकॉर्ड फेल हो चुका है। अब दूसरे रिकॉर्ड पे आते हैं, मैं आपको फिर से दिखाता हूं। अब यहां पे मान लीजिए मैं कोई दूसरा रिकॉर्ड एंटर करता हूं, लाइक यहां पे कर देता हूं, जैसे मान लीजिए नाम छोड़ दिया, ठीक है, और यहां पे एड्रेस डाल दिया जो कुछ भी है, ये कर दिया हमने, और यहां पे सिटी का नाम डाल दिया तो ये सिटी का नाम भी हो गया। अब इसको सेव कर दिया। अब यहां पे आ रहा है डू नॉट फॉरगेट आई एम वॉचिंग यू, ठीक है। तो ये मैसेज डिस्प्ले करेगा और ये आप मैक्रो के थ्रू कर सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है। अब ये फिल नहीं किया आपने तो ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। तो इसलिए अगर आप ऐसा बॉक्स बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह की चीजों को यूज कर सकते हैं। और
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईशा, यहाँ पे आता हूँ, एड्रेस छोड़ देता हूँ, अब यहाँ पे लिख देता हूँ देवरिया। ओके, ये हो गया। अब देखिए फिर ये मैसेज डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि आपने छोड़ दिया एक जगह, तो ये मैसेज डिस्प्ले करेगा इस तरीके से। तो इस तरीके का वैलिडेशन आप मैक्रो का यूज करके लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।